जैसा कि आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बेसिक टर्म्स बताई थी, तो उससे आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली मेरा भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है ऑनलाइन पढ़ाने का, क्योंकि मैंने भी लास्ट 25 ईयर से मैं पढ़ा रहा हूँ अपने खुद के इंस्टीट्यूट में, एस के इंस्टीट्यूट जो हाउसिंग बोर्ड में है, और कॉलेज में भी, गुरुकुल कॉलेज में भी लगा हुआ हूँ। तो मेरा भी पहला अनुभव है, और धीरे धीरे जैसे आप लोग लाइक करेंगे वीडियोज़ को और पसंद करेंगे अगर मेरे पढ़ाने को, तो मैं इसको और इक्विपाइड भी कर पाऊँगा थोड़ा, और उसका साउंड और वीडियो क्वालिटी जो भी होगी उसको इम्प्रूव भी कर पाएंगे, और आपको और अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप अगर देखते हैं और आपको पसंद आता है तो फिर अपन इसको और आगे कैरी ऑन कर पाते हैं। तो लास्ट वर्ड जहाँ छोड़ा था उसके आगे कंटिन्यू, नेक्स्ट वर्ड मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ड्राॅइंग्स। ड्राॅइंग्स बेसिकली, ड्राॅइंग्स का मतलब ये होता है कि जो ओनर होता है, ऑब्वियस है कि वो अपना बिजनेस इसीलिए करता है कि जिससे कि वो अपना घर का खर्चा चला सके। तो इसीलिए ओनर जो होगा वो बिज़नेस में से वापस कुछ कैश या गुड्स या सर्विसेज या एसेट्स विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसको अपन ड्राइंग कहते हैं। जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मैं 11 से स्टार्ट कर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और सीएस तक पढ़ाता हूँ, तो मैं ऑलवेज आपको जो बताऊंगा आपको बुक से भी थोड़ा एक्स्ट्रा, जैसे कि बुक्स में जनरली ड्राइंग का मीनिंग केवल यही है कि बिजनेसमैन बिजनेस से जो कैश और गुड्स जो विड्रॉ करता है फॉर द पर्सनल पर्पज़, उसको ड्राइंग्स कहते हैं। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि आप सर्विसेज भी जो है ड्राइंग कर पाते हैं, कि सर्वेंट आपका जो है ऑफिस का उसको घर पे काम कराते हैं, पेमेंट ऑफिस से जाती है, ऑफिस की कार है जिसको आप अपने पर्सनल यूज़ में ले रहे हैं और कार का सारा एक्सपेंसेस जो है वो आप बिज़नेस से दे रहे हो, तो ये सर्विसेज की और एसेट्स की भी ड्राइंग होती है। कैपिटल जो होती है वो जब जब आप ड्राइंग करेंगे तो उससे आपकी कैपिटल जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, और नेट प्रॉफिट होने से आपकी कैपिटल जो है वो क्या होती है, बढ़ती है। तो बेसिकली ड्राइंग की जितना डिस्क्रिप्शन हो सकता था मैंने बताया वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। उसके बाद अगला वर्ड है इसमें आपके एसेट्स। तो एसेट्स एक बहुत ही बड़ा वर्ड है। एसेट्स का मीनिंग होता है कि जो बिज़नेस के अंदर ऐसे सारे इक्विपमेंट जो बिज़नेस को प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करते हैं, प्रॉफिट कमाने में उसको मदद करते हैं, तो उन सब को हम क्या कहते हैं, एसेट्स कहते हैं। एसेट्स के बिना बिज़नेस को चलाया नहीं जा सकता है, और जो भी कैपिटल होती है, जैसे अगर आप बिज़नेस के अंदर 5 लाख रुपए की कैपिटल लगा रहे हो, तो वो पैसा कहीं कैपिटल का पड़ा नहीं होता है, बल्कि वो एसेट्स के अंदर जो है वो इन्वेस्ट हो जाता है। बिजनेसमैन जो बिज़नेस में इन्वेस्ट करता है उसको हम कैपिटल कहते हैं, और फिर बिज़नेस उस कैपिटल को वापस एसेट्स के अंदर, वेरियस एसेट्स जैसे मशीन है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, गुड्स है, उसके अंदर वापस क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। तो वो सारी चीज़ें बिज़नेस को प्रॉफिट अर्निंग करने के अंदर सपोर्ट करती है। तो इसीलिए एसेट्स का मीनिंग बेसिकली यही होता है कि जो इक्विपमेंट है आपके पास, जो संसाधन है जो बिज़नेस को प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करेंगे, तो वो सारे आपके क्या कहलाएंगे, एसेट्स कहलाएंगे। एसेट्स को अपन ने बहुत सारे अलग अलग, क्योंकि बहुत बड़ी टर्म है एसेट्स, तो अलग अलग टुकड़ों में इसको हमने बांटा है। जैसे सबसे पहले हमने इसको बांटा है नॉन करंट, उसके बाद बांटा है करंट, और फिर उसके बाद हमने इसको लिखा है फिक्टीशियस एसेट्स। सबसे पहले हम लिखते हैं नॉन करंट एसेट्स। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि करंट और नॉन करंट के अंदर जो डिफरेंस है वो टाइम का ही होता है, कि करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी होती है जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती है, और वो टाइम पीरियड होता है 1 फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर वर्ड आपने सुना होगा, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को हमारा साल ख़त्म होता है। तो जो एसेट्स या लायबिलिटी विद इन 12 मंथ के अंदर शट ऑफ हो जाती है, या तो पैसा मिलता है या हम पैसा दे देते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी। और जिसके अंदर टाइम ज़्यादा लगता है तो उसको अपन बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स का मतलब ऐसी एसेट्स जो बिजनेस के अंदर लंबे समय तक रहेगी, काफ़ी टाइम तक बिज़नेस को प्रॉफिट अर्न करने में सपोर्ट करेगी, हेल्प करेगी, तो वो एसेट्स आपकी जो है वो क्या कहलाती है, नॉन करंट एसेट्स। जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिखे हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर और मशीन। लैंड एंड बिल्डिंग का मतलब कि बिज़नेस के अंदर जो बिल्डिंग होती है वो अपन हायर भी कर सकते हैं, प्रीमिसेस भी कहते हैं, बिल्डिंग भी कहते हैं जिसको, तो उसको हायर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर बिज़नेस लंबे टाइम के लिए चलाना है, तो अगर आप हायर करके किसी बिज़नेस को चलाते हो तो उसका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा आता है। उसकी बजाय अगर आप लोन लेकर कोई लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करें, उसकी इंस्टॉलमेंट भरें, तो उतने किराए के आसपास आपका धीरे धीरे वो मकान आपका खुद का हो जाता है। तो ये लैंड एंड बिल्डिंग जो है ये बहुत लंबे टाइम तक की एसेट्स है, हमेशा रहेगी आपके पास, तो इसलिए नॉन करंट कहते हैं। फर्नीचर, हर बिज़नेस के अंदर फर्नीचर होता है, जैसे टेबल, कुर्सी, ये सारी चीज़ें जो है वो बिज़नेस के अंदर रहती है, तो